गाइस, मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉप चल में। छात्र की गोली लगने से मौत, बंदूक के साथ वीडियो बना रही थी स्कूली लड़कियां। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट कहां से आ रही है, इसके ऊपर नजर डालते हैं। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उत्तर प्रदेश के कशगंज से हमारे सामने ये मामला आ रहा है, जहां पर 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली कुछ लड़कियां जो है वो रील वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी अपने घर में, और उसी दौरान ही गोली चली और उसी बीच में एक लड़की की मौत हो गई। इसकी जानकारी पाते हुए पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने लड़की का शव जो है बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसी लड़की के भाई ने ये चीज बताया कि जिस घर में वो गई हुई थी, उसके पिता भी इस वक्त फरार है, क्योंकि उसके पिता ने उसकी बहन के साथ रेप करने की कोशिश की होगी, इसी बीच में उसकी बहन को मार दिया गया। इसी दौरान ही जब पुलिस कर्मचारियों ने इस पूरे केस की छानबीन की, तो छानबीन करने के साथ ही उन्होंने सीसीटीवी कैमरा खंगाला। सीसीटीवी कैमरा में जो है लड़कियां ऊपर वाले रूम में जाती हैं और वहां पर दो मिनट में कुछ लड़कियां भाग के बाहर आती हैं, और दो मिनट के बीच में ही जो आवाज आती है, गोली चलने की भी आवाज आती है। इस दौरान ही जो बाकी की लड़कियां थी, जब उनसे बात की गई, तब पुलिस वालों से उन्होंने बात करते हुए ये चीज बताया कि हम अपनी फ्रेंड के घर पे गए थे, हम साथ में पढ़ाई करते हैं, और उस दौरान ही हम लोग वीडियो बना रहे थे। उसके पिताजी की जो बंदूक है वो ऊपर वाले कमरे में थी, हमने वहां पर जाके वीडियो बनाने चाही, इसी बीच में जो है एक लड़की ने वो बंदूक जो है वो चला दी। वो पूरी बंदूक जो भरी हुई थी, इसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए हमारे दोस्त को वो गोली लग गई और इसीलिए हम डर के मारे वहां से भाग गए। इसी बीच में जब आवाज आई थी, सीसीटीवी कैमरा में देखा गया कि उसके पिताजी जो है वो भी एक्चुअली में ऊपर गए, और उसी दौरान ही उन्होंने पूरी बंदूक को खाली किया और खुद भी वहां से फरार हो गए। हालांकि पुलिस कर्मचारियों का कहना यह है कि ये बंदूक जो है वो लाइसेंस वाली थी और भरी हुई थी, और बच्चों ने इसके चलते हुए गोली चलाई, और जिसके कारण एक मासूम बच्ची की जान भी चली गई, और उसी बीच में उसका जो पिता है वो भी फरार है, उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और जिस लड़की की मृत्यु हुई है, उसके जो भाई है उसने जो रेप का आरोप लगाया है, ये सरासर गलत है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसे कोई भी प्रयास करते हुए नहीं दिखाया गया है, और न ही ऐसा कोई भी रिपोर्ट में नहीं आया, और दो मिनट में कोई भी रेप का प्रयास करके उसको मार नहीं सकता है, वो चीज गलत है। पर हाँ, यहाँ पर गोली तो चली है और एक लड़की की मौत तो जरूर हुई है। इसी बीच में उस पिता को जो है ढूंढने की कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।